हेलो फ्रेंड्स, अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका फिर से स्वागत है और मैं गौरव सिन्हा आपको बताने जा रहा हूं कि जिस प्रकार से सामान्य हिंदी काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछी जा रही है, अधिक से अधिक ये इस परीक्षा में अपना भाग रख रहा है, इसलिए आज से हमारे अरविंद इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर सामान्य हिंदी की क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। बिल्कुल सही, अब हमारे पोर्टल पर, अरविंद इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर आपको सामान्य हिंदी के भी सारे चैप्टर्स मिलेंगे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी के सबसे पहले और प्रमुख चैप्टर के बारे में, जो आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा है वो है वर्णमाला। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कहूँगा कि प्लीज़ आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, हैं सबसे पहले वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला होता क्या है। तो वर्णमाला के अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें, वर्णमाला के अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो वर्णमाला का जो परिभाषा होता है वो होता है वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जिस प्रकार फूलों को पिरोकर, फूलों को हम एक साथ अच्छी तरह से पिरोकर जब उसकी हम एक माला बनाते हैं तो वह काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से जब हम वर्णों को एक साथ लाते हैं और उनका सार्थक समूह बनाते हैं तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि बताओ वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग हमेशा ये कहना कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक बात मित्र आप लोग हमेशा समझिए, हिंदी की जो भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी विषय से क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसमें परिभाषा काफ़ी पूछी जाती है। परीक्षा में ऐसे दे देगा कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या वर्णमाला कहते हैं, वाक्य कहते हैं, पदबंध कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आप बताओगे कि जब भी हम वर्णों के सार्थक समूह बनाते हैं तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की अगर हम आगे बात करें तो जैसे हम देखेंगे अ आ ई ई क ख, इस प्रकार से जब हम स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं तो ये कहलाता है वर्णमाला। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अ आ ई ई क ख मतलब स्वर और व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि वर्णमाला के अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, दो बातों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। आप अपना दूसरा क्वेश्चन तैयार करिए। पहला क्वेश्चन क्या था, तो पहला क्वेश्चन ये था कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन होता है सर कि हमारा वर्णमाला कितने प्रकार का होता है, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जवाब आप हमेशा दोगे पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, स्वर और व्यंजन। सबसे पहली बात की जाए कि स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि वैसे वर्ण जिन्हें अपना उच्चारण करने के लिए, जिन्हें अपना प्रयोग करने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब स्वर वो होगा जिसे इंग्लिश में वॉवल्स कहा जाता है, जिनके अपनी ध्वनि होती है और इनका उच्चारण करने के लिए हमें किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इन्हें हम स्वर कहते हैं। इसके विपरीत जब हम व्यंजन को देखते हैं तो व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कहने का अर्थ मित्र आप देखोगे यहाँ पर तो मैंने स्वर में अ आ ई ई में मैंने कहीं भी हलंत का प्रयोग क्यों नहीं किया। हलंत इसलिए नहीं होता क्योंकि इनकी अपनी एक ध्वनि है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर क पे हलंत लगाया, ख पे हलंत का प्रयोग किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यंजन है और इन व्यंजन में स्वर का लूप है। मतलब इन व्यंजनों में किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, ये व्यंजन के मूल रूप हैं जिनमें स्वर ना होने के कारण इनमें हलंत का प्रयोग किया गया है। आज से आप लोग एक बात और याद रखना कि जब भी हम किसी वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं तो ये व्यंजन का शुद्ध रूप होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि व्यंजन आधा है, व्यंजन में स्वर का लोप है, और एक बात और, ये बिल्कुल शुद्ध है।
इसके आगे अगर हम देखते हैं स्वरों के उदाहरण के बारे में कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप हमेशा याद रखना कि स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। परीक्षा में तीसरा प्रश्न आप तैयार करने जा रहे हो और ये तीसरा प्रश्न हमें क्या तैयार कराता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। हमेशा स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्वरों की संख्या 10 है, 11 है, 12 है या 13 है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो 13 लगा के परीक्षा में आ जाते हैं और बाद में इसके नंबर कट जाते, आंसर नहीं मिलता सही, तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज से आप लोग जानिए कि जब भी परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप हमेशा बताओगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। मेरे साथ बोलिए कितना। हाँ बिल्कुल 11। ये कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ई, ऊ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, ओ। ये हमारे कुल जो हैं वो स्वर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमें दो अयोगवाह दिखाई देते हैं और दो अयोगवाह जो हमें दिखाई देते हैं वो अंग और अह होते हैं। पहली बात मित्रों, यह जानना जरूरी है कि इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है। पहली बात, अयोगवाह कहने का अर्थ होता है कि ऐसे वर्ण जिनका मिलाप ना ही स्वर में हो पाता है ना ही व्यंजन में हो पाता है। कहने का अर्थ, ये जो हमारे अयोगवाह हैं ये ना ही हमारे स्वर होते हैं और ना ही ये हमारे व्यंजन होते हैं। अयोगवाह कहने का अर्थ कि इनका हम मेल ना स्वर से कर सकते हैं ना व्यंजन से कर सकते हैं, तो स्वर और व्यंजन से योग ना होने के कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब बात उठती है परीक्षा में चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न देखिए, आपके प्रश्न भी तैयार होते जा रहे हैं मित्रों, आप क्वेश्चंस तैयार करते जा रहे हो, 1, 2, 3 क्वेश्चंस आपने तुरंत तैयार कर लिए। अब हम चौथे प्रश्न पे चल रहे हैं और ये चौथा प्रश्न बनता है कि स्वर के अलावा अयोगवाह जो हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, कौन कितने होते हैं अयोगवाह की संख्या, फिर से बोलो मेरे साथ। हाँ बिल्कुल 2। और इसके अलावा आपको ये भी प्रश्न करता है कि ये दोनों कौन होते हैं, तो एक होता है हमारा अंग और दूसरा अह होता है, ठीक है। इनके उच्चारण स्थान को भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले स्वरों के प्रकार की, तो स्वरों की प्रकार जैसा आपको यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर यह लिखा है कि स्वर को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका तैयार होगा कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों बनता है परीक्षा में, कारण क्या है, होता क्या है कि हमारे कई छात्र ऐसे हैं जो केवल यही जानते हैं कि हमारे 3 स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वो इन स्वरों के बारे में जानते ही नहीं, जबकि परीक्षाओं में आजकल अंदर से कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर से क्वेश्चन अब कम है, इनसे ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। हमारे छात्रों में ये दिक्कत है कि उन्हें डीप नॉलेज नहीं है, तो फिर कंडीशन ये है कि नंबर नहीं कट मिलते एग्जाम में। तो इसका उपाय क्या है, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से इस चार्ट को अपने कॉपी पे भी तैयार कर लो, इस तरह से वर्गीकरण कर लो, एक बार परीक्षा से पहले इसको रिवाइज कर लेना और आपकी ये फिर समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्वरों के वर्गीकरण में पहले स्वर के वर्गीकरण को जो कि है उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर अगर देखा जाए तो हमें यहां पर 3 प्रकार के स्वर दिखाई देते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। 5वां क्वेश्चन देखा जाए, 5वां क्वेश्चन सर क्या है वर्णमाला से, तो 5वां क्वेश्चन ये तैयार होता है कि उच्चारण समय के आधार पर स्वरों की कितास कितनी संख्या है। तो आप लोग हमेशा फ्रेंड्स याद रखना कि उच्चारण समय के आधार पर हमारे स्वरों की संख्या 3 होती है, जिसमें पहला ह्रस्व स्वर है जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है, दूसरा हमारा दीर्घ स्वर है और तीसरा हमारा प्लुत स्वर है। तो सबसे पहले जानते हैं
कि ह्रस्व स्वर होता क्या है, ह्रस्व स्वर की परिभाषा को समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जो कि स्वरों के मूल रूप होते हैं, मतलब इनमें किसी अन्य स्वर को भी नहीं जोड़ा जाता। मतलब इनका नाम मूल स्वर इसीलिए दिया ही गया है क्योंकि ये बिल्कुल स्वतंत्र और मूल रूप में होते हैं, इनमें कोई अन्य स्वर भी नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैं छठा क्वेश्चन तैयार कराने जा रहा हूं और वो छठा क्वेश्चन हमारा ये तैयार होता है कि सर यहां पे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। माय डियर फ्रेंड्स, भूलना मत, कितनी होती है? 4। और कौन कौन से होते हैं तो मैंने यहां पर लिख रखा है, आप भी लिख लेना, याद कर लेना। क्या है? अ है, ई है, उ है और री है। ये 4 हमारे मूल स्वर हैं जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दीर्घ स्वर की बात होती है। अब आप कहोगे सर दीर्घ स्वर क्या होता है, मैंने तो इसका नाम नहीं सुना, मैं तो इसके बारे में जानता नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी मूल स्वर में पुनः किसी मूल स्वर को जोड़ दिया जाता है तो दीर्घ स्वर कहलाता है। मतलब दो मूल स्वरों को जोड़ने से उत्पन्न स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे क्या हुआ, आपने अ में अ को जोड़ा तो आ हो गया, आपने ई में ई को जोड़ा तो बड़ी ई हो गई, आपने ऊ में ऊ को जोड़ा तो अ हो गया। इसके अलावा आपने अ में ई जोड़ा तो ए ऐ हो गए, आपने अ में ऊ ओ को जोड़ा तो ओ और अ हो गए। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें दो तरह के स्वर हो सकते हैं, एक आपकी यह तीनों दीर्घ स्वर हो सकते हैं और इसके अलावा ये आपके संयुक्त स्वर भी हो सकते हैं। तो परीक्षा में क्वेश्चन मैं और आपका तैयार कराता हूँ। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी तो 7 होगी। इसके अलावा अगर कभी अंदर से प्रश्न कर दे कि स्वर संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कि 1, 2, 3, 4, मतलब संयुक्त स्वर भी मैंने दीर्घ स्वर में देख लिया कि दीर्घ स्वर में 4 संयुक्त स्वर भी हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से थे मेरे साथ फिर से बोलो मित्रों। हाँ, आ, बड़ी ई, औ। इसके अलावा संयुक्त स्वर कितने हैं तो फिर से मेरे साथ बोलना, बिल्कुल, ए, ए, ओ, औ। मतलब कितने हो गए? 4। प्रश्नों की संख्या गिनते रहो, क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा देखो प्लस स्वर को। प्लस स्वर क्या होता है? प्लस स्वर के नाम से उसको समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम इसके कारण को जानते हैं कि इसे प्लस स्वर क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी आप किसी नाटकों में संवाद को देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी को बुलाने के लिए जब जोर लगाया जाता है और दूर से बोला जाता है, उसे पुकारा जाता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के नाम को काफ़ी देर तक बोला जाता है। जैसे अगर राम ने सीता का नाम लिया, प्रभु राम ने सीता जी का नाम लिया और वो उन्हें पुकार रहे हैं, तो वो कैसे कहा उन्होंने? उन्होंने वन में ऐसे चिल्लाया, सीते। तो जैसे ही उन्होंने सीते कहा तो वहाँ पर समय अधिक लगा। अगर इसमें एक समय लगा तो इसमें दोगुना समय लगा और इसमें तिगुना समय लगा। तिगुना समय लगने के कारण इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं। और आपको याद रखना है कि प्लस स्वर का प्रयोग संस्कृत में नाटकों में किया जाता है, हिंदी में प्लस स्वर का प्रयोग नहीं होता है। इसके आगे जब हम देखते हैं जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। देखो मित्र, हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, इस जीभ को अगर हम 3 भाग में बांट लें, मतलब जीभ के आगे का भाग, जीभ के मध्य का भाग और जीभ के पीछे का भाग जिसे पश्च कहा जाता है, तो वो कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण अग्र से होता है, वो कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण मध्य से होता है और वो कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण जीभ के पीछे भाग से, मतलब पश्च भाग से होता है। डेफिनेशन इनकी केवल इतनी ही है, परिभाषा केवल इतनी ही है कि जीभ के अग्र भाग से होने वाले उच्चारण को, आने वाले स्वर को अग्रस्वर, जीभ के मध्य भाग से आने वाले स्वर को मध्य स्वर और जीभ के पिछले भाग से आने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं।
अब देखना है कि ये कौन कौन है, क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, नंबरिंग मैं कर नहीं रहा, लेकिन आप लोग करते रहना कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। याद रखना कम से कम चैप्टर खत्म होगा तो 30 से 40 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने हैं, और पूरी तरह से इसे नोट्स बना के रख लेना, आगे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है मित्रों, भूलना मत। हाँ, तो अग्रस्वर को देखा जाए तो इसमें ई ए ए ए ये चार अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर परीक्षा में सीधे पूछता है कि बताइए कि वो मध्य स्वर किसे हैं, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं कि बताओ इसमें आपका मध्य स्वर कौन सा है। आपको बिल्कुल याद रखना है कि अ हमारा मध्य स्वर होता है। अब बात उठती है कि सर पश्च स्वर कौन है, तो पश्च स्वर में आ उ औ ओ अ होता है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग अग्रस्वर और मध्य स्वर को याद कर लें, इन दोनों को याद रखें, कंठस्थ कर लें, रट लें, तो फिर हमें पश्च स्वर याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमें ये दोनों मालूम है तो पश्च स्वर हम काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। क्यों, इसके आगे अगर हम चलें मुख के आधार पे तो हमें चार प्रकार के स्वर दिखाई देते हैं, जिसमें संवृत है, अर्धसंवृत है, विवृत है और अर्धविवृत है। बात की जाए अगर मुख के आधार पर, एक अगला क्वेश्चन तैयार होता है कि मुख के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो चार बातें सामने आती हैं कि सर चार चीजें हैं, संवृत है, अर्धसंवृत है, विवृत है, अर्धविवृत। संवृत का मतलब क्या होता है, वृत्त का मतलब क्या मित्रों, गोल, मतलब जब हमारा मुंह जो है वो हमारा गोल होगा, खुला होगा, तो विवृत होगा। जैसे संवृत में जब आप ई ई का उच्चारण करते हो, ई और ई का, तो मुख हमारा कम गोल होता है, कम खुलता है, तो इसे हम संवृत कहते हैं। अर्धसंवृत में इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ई ई से बने ए और अ और उ से बने ओ आता है। इसके अलावा विवृत स्वर में आपका आ स्वर आता है। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि विवृत स्वर कौन है, तो आप इसका जवाब सीधे सीधे दोगे कि विवृत स्वर आ को कहा जाता है। इसके आगे आता है मित्र कि अर्ध विवृत किसे कहते हैं, तो अर्ध विवृत की संख्या तीन है, अ ए औ। तो मेरे हिसाब से परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से अगर आप तीन चीज़ों को याद रखें तो चौथा हमारे आप अपने आप तैयार हो जाता है, क्योंकि इन्हीं 11 स्वरों में से हमें याद करना है। तो अगर तीन चीज़ें तैयार हैं तो हम चौथा भी कर सकते हैं। और आखिरी जो हम देखेंगे स्वर का वर्गीकरण में, होठों के आधार पर वर्तुल और अर्धवर्तुल। जब हम अपने ओठ को गोल कर लेते हैं तो उसे वर्तुल कहते हैं, और जब वो पूरा गोल नहीं होता तो उसे हम अर्धवर्तुल कहते हैं। वर्तुल में आने वाले हमारे स्वर हैं उ औ ओ औ, और अर्धवर्तुल में कौन होता है, अ आ ई ई ए ए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किन स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण शरीर के मुख के किस भाग से होता है। के बाद अब हम देखेंगे व्यंजन को। हाँ मित्रों, जिस प्रकार स्वर जरूरी है जानना, उसी प्रकार से परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से व्यंजन को जानना भी जरूरी है। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के प्रकार क्या है, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है, आइए मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें काफ़ी अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को और इसे नोट भी करते रहना। सबसे पहली बात कि व्यंजन होता क्या है, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनकी अपनी स्वयं की ध्वनि नहीं होती है। तो स्वयं की ध्वनि ना होने के कारण इन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि स्वरों की अपनी ध्वनि होती है, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। बिल्कुल यही सबसे सटीक परिभाषा है कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि इनके अपनी कोई ध्वनि नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर हम कैसे इनका उच्चारण कर लेते हैं, कैसे हम बोल लेते हैं, जैसा आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा है क ख ग घ अंग, तो कहेंगे सर आप बताइए कि कैसे ये आपको लिखा दिख रहा है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जब भी किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उस व्यंजन के उच्चारण में वो
अध्वनि के साथ अस्वर के साथ जुड़ा होता है। आप जब भी वर्णमाला के व्यंजनों को बोलते हैं तो हमेशा अस्वर को अपने साथ रखता है। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार को कि व्यंजन क्या होता है। ये तो मैंने जान लिया, लेकिन व्यंजन के प्रकार कैसे हैं? तो परीक्षा का एक क्वेश्चन सबसे पहले तैयार करो कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या व्यंजनों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर हमेशा दो होता है कि व्यंजन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहली बात, पहला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से। ध्यान देना, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कि जो भी व्यंजन हैं इनका उच्चारण हम मुख के किस भाग से करते हैं, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको इसे याद रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले जानते हैं कि कंठ से होने वाले उच्चारित वो कौन से वर्ण हैं। तो सबसे पहले जानिए कि क वर्ग की जितने भी व्यंजन होते हैं, क ख ग घ ङ प्लस इसके अलावा ह, ये सभी कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन होते हैं। इसके आगे तालव्य से होने वाले च वर्ग और श होता है, इसको हम तालव्य श, तालु श भी कहते हैं। इसके अलावा मूर्धन्य, जहाँ ट वर्ग और यहाँ पे आपको षटकोर श दिखाई दे रहा है, जिसे मूर्धन्य श भी कहा जाता है। इसके बाद दंत से, हाँ मित्रों, दांत दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों में देखा जाए तो इसमें त वर्ग और दंत स आता है। ये तीनों श को आपको हमेशा याद रखना है कि ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है और ये दंत श है। इसके अलावा ओष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन को अगर पूछा जाए परीक्षा में, तो आप याद रखना कि प वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये पांचों हमारे जो भी व्यंजन हैं ये ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं, और इसके अलावा दंतोष्ठ और व से उच्चारित होने वाला व्यंजन होता है। दूसरे भाग में देखा जाए तो उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से हम इसका विभाजन तीन आधार पे कर सकते हैं। पहला क्या है? श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पे अर्थ ये होता है कि जब भी ध्वनि हमारे मुख से निकलती है तो श्वास के रूप में बाहर निकलती है। अगर श्वास कम मात्रा में निकलता है तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और अगर श्वास ज़्यादा निकलता है तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्राण का अर्थ यहाँ पे वायु से होता है। प्राण का अर्थ क्या है मित्रों? वायु से। तो जब वायु कम निकलेगी तो अल्प प्राण, और जब वायु अधिक निकलेगी तो महाप्राण। अल्प प्राण में हम प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को लेकर चलते हैं। आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ग, जैसे क वर्ग है तो क ख ग घ ङ में आपको पहला मतलब क, तीसरा मतलब ग और ङ, ये पांचवा जो है ये अल्प प्राण होता है। अल्प का मतलब हो गया कम, और प्राण का मतलब वायु। जब मुख से कभी भी ध्वनि कम वायु से निकलती है तो इसे अल्प प्राण कहते हैं। इसके अलावा इसमें य र ल व को भी जोड़ा जाता है। ये य र ल व क्यों अल्प प्राण होते हैं ये आप इसे जान लो। ये दरअसल ऐसे व्यंजन हैं जो कि मुख से निकलते हैं तो किसी भी मुख के भाग से ज़्यादा स्पर्श नहीं करते, और ये मुख से निकलते समय मुंह में गोल घूम के हवा के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये ज़्यादा हवा नहीं लेते, ज़्यादा प्राण को बाहर नहीं निकालते, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। इसके बाद महाप्राण को देखें तो जब मुख से ध्वनि ज़्यादा वायु को बाहर निकालती है तो इसे महाप्राण कहा जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। इसमें आप अलावा देख सकते हो तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह को भी जोड़ा गया है। आप इन्हें बिल्कुल नोट्स बना के याद रखें कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को जोड़ा जाता है। तो ये हमारा श्वास की मात्रा के आधार पर है कि हाँ, यहाँ पर प्राण दो प्रकार के हैं, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब दूसरा दृष्टिकोण हम देखेंगे तो स्वरतंत्री के कंपन के आधार पर। हमारे गले में जो स्वरतंत्री है, हमारे गले में जो वोकल कोड है,
उससे जब वायु बाहर निकलते समय कंपन पैदा करती है, क्या पैदा करती है मित्रों, कंपन पैदा करती है, तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं, पहला अघोष और दूसरा सघोष। अघोष में क्या होता है कि इसमें गूंज नहीं पैदा होती है, जबकि सघोष में ध्वनि निकलते समय गूंज पैदा करती है, तो उसे हम सघोष कहते हैं। आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, जबकि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है। जैसे अगर क ख ग घ अंग है तो क ख आपका अघोष होगा, जबकि इसके अलावा ग घ और अंग को हम सघोष में रखेंगे। इसके अलावा तलव्य स मूर्धन्य स और दंत स को भी अघोष माना जाता है। इनके उच्चारण में रगड़ पैदा होने के कारण घोष मतलब कंपन गूंज नहीं होता है, इसलिए ये अघोष होते हैं। और य र ल व में चूँकि वायु घूम के बाहर निकलती है तो गूंज पैदा करती है, और ह का उच्चारण भी कंठ के वजह से होने से ये सघोष व्यंजन के अंतर्गत स्वघोष के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं उच्चारण अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध पे, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कुल 25 वर्ण होते हैं, और ये सभी वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुख के किसी न किसी वर्ग से एक संपर्क स्थापित करके, एक संबंध स्थापित करके आते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है जो अंदर से, अंतः का मतलब अंदर, वह व्यंजन जो गले के अंदर से निकले और किसी भी भाग को बिना स्पर्श किए बाहर निकले, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है और वह य र ल और वह होते हैं, ठीक है। इसके आगे उष्म व्यंजन है। जब भी ध्वनि मुख से निकलते समय रगड़ खाने के कारण किसी भी अंग से, किसी भी भाग से रगड़ खाने के कारण मुख में वह उष्मा उत्पन्न करे, गर्मी उत्पन्न करे, तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जब भी दो चीज़ों में रगड़ होती है तो उष्मा और गर्मी पैदा होती है, तो उष्मा गर्मी पैदा करने के कारण इन व्यंजनों को उष्म व्यंजन कहा जाता है, जिसमें तलव्य स मूर्धन्य स दंत स और ह आता है। मैं इन्हें बार बार तलव्य मूर्धन और दंत इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको यह याद रहे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। इसके अलावा लुंठित व्यंजन की बात करते हैं। लुंठित व्यंजन का अर्थ होता है लुढ़का हुआ। लुढ़का हुआ का अर्थ ये है कि जब हमारी जीभ किसी ध्वनि का उच्चारण करने के लिए मूर्धा से ऊपर जाके टकरा के झटके से उसे नीचे की ओर लाती है, तो उसे हम कहते हैं लुंठित व्यंजन। अगर आप मेरे साथ र का उच्चारण करें, आप बोले र, हाँ बिल्कुल सही, आप र बोलेंगे तो आप देखोगे कि आपकी जीभ जो है ऊपर मूर्धा से टकरा कर उसे नीचे की ओर झटके से लाती है और वो लुढ़का देती है उस व्यंजन को, इसलिए उसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके आगे आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन का अर्थ क्या है? पार्श्विक शब्द पार्श्व से बना है। पार्श्व का अर्थ होता है बगल से। जब ध्वनि मुख से निकलते समय जीभ के दोनों बगल के भागों से निकलती है, उनके पार्श्व भाग से निकलती है, तो वहाँ पर ल व्यंजन का उच्चारण होता है और ल हमारा पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसके अलावा हम देखें द्विगुण व्यंजन को, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन को अगर हम जाने, तो उत्क्षिप्त का मतलब होता है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है,
मतलब वैसे व्यंजन जिनको ऊपर की तरफ फेंका जाए, इसे फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारे दो आते हैं द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या दो होती है, जिसमें एक पहला ड होता है और फिर ढ होता है। तो ये हमारे दो गुण रखने वाले व्यंजन हैं, इस कारण इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अंत में आपको चार व्यंजनों के बारे में जानना भी जरूरी है। आप जब बात करते हो तो आप यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मतलब कुल आपने 25 की बात कर ली। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। आपको मैंने पहले भी बताया था शुरू में कि व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। तो यहाँ पे हमने 25 को देख लिया, ये 25 व्यंजन हो गए। इसके अलावा हमें य, र, ल, व दिखाई देते हैं हमें अंतस्थ व्यंजन के रूप में। यहाँ पे हमें तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह दिखाई देते हैं उष्म व्यंजन के रूप में। लेकिन ये तो 33 हमारे हुए, इसके अलावा भी चार हमें संयुक्त व्यंजन के रूप में मिलते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है चार। पहला है छ, त्र, ज्ञ और श्र। आप यहाँ पे इनके कारण को जानिए कि इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है। जब किसी एक व्यंजन में किसी दूसरे व्यंजन को जोड़ दिया जाता है, किसी भी एक व्यंजन में दूसरे व्यंजन को जोड़ देने से वो संयुक्त रूप ले लेता है, इस कारण उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें पहला व्यंजन हमारा छ होता है, क्षत्रिय जिसे कहते हैं। इसमें आधा क प्लस यहाँ पे मूर्धन्य श आता है। आपको इनके योग में परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बात को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पर क पे हलंत होना चाहिए, मतलब ये आधा होना चाहिए, जबकि हमारे मूर्धन्य श में आपको स्वर को लाना है, स्वर को जोड़ना है, आप इसमें हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा त्र की बात करें तो आधा त इसमें भी हलंत होगा और फिर र को लाया जाता है। ज्ञानी की बात करते हैं, ज्ञ की बात करते हैं, तो ये हमारा आधा ज और य से मिलकर बना होता है। यहाँ य में भी आप स्वर को लाने का काम करेंगे। और श्र की बात की जाए तो तलव्य स जहाँ पे वो आधा होता है और र को जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था व्यंजन, उसके प्रकार, और मैंने यहाँ पे हर बात को, हर चीज़ को आपको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छी तरह से समझा दिया है। आप भी इस तरह से घर पे इसको रिवीजन करिए, इसी तरह से नोट्स पे इसको बनाते रहिए। आपको वर्णमाला में अब किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से फ्रेंड्स, आपको हिंदी के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।